So I hope you are having a great time so far, right? So जैसे मैंने बताया मेरा नाम है माहीना अचकज़ई एंड मेरा ताल्लुक है मैंने किस स्कूल जाना है मैंने किस कॉलेज जाना है मैंने कौन सा ख्वाब देखना है या मैंने क्या खाना है ये सारे बहुत ही अहम फैसले हैं और हम चाहते हैं कि हम ये फैसले खुद करें लेकिन नाम का फैसला आप नहीं करते और मैंने मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं और मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि आपका नाम आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है क्योंकि जब आप जहाँ जहाँ जाते हो लोग उसको मिसप्रोनाउंस करते हैं अब्यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं यू नो व्हाट जब मैं स्कूल में थी आप लोग की तरह तो मेरी 80% टीचर्स मुझे माहीन कहते थे एंड यू नो बाय द टाइम आई ग्रो अप आई मेड पीस कोई बात नहीं माहीन कह रही कोई मसला नहीं है एंड दिस वॉज नॉट इनफ कि मैं एक ऐसे इदारे में आई जिसका नाम कार्नेलियन वो और मुश्किल सो व्हेन आई गो टू पीपल एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि मैं कहाँ से हूँ कार्नेलियन उनकी ज़ुबान पर नहीं चढ़ता इट इज़ राइट मेरी भी ज़ुबान पर बहुत असर नहीं चढ़ रहा था सो देन कार्नेलियन का नाम बताना इज़ अ चैलेंज एंड वेन यू गो फॉरवर्ड फिर वो आप सबका काम पूछते हैं और काम बताना उससे भी आगरा चैलेंज वाई बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू Because we do quite a couple of things. अगर आपने कार्नेलियन का नाम पहले नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ हम ट्रेनिंग कंसल्टिंग ब्रांडिंग डिवेलपमेंट सेक्टर कोचिंग और ई लर्निंग्स के काम करें सो वी हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑन आवर प्लेट और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होते हैं पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं और डिवेलपमेंट सेक्टर में भी होते हैं आप लोग जैसे जैसे सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट में स्पेशली मूवमेंट और आप जब कोई नौकरी लेते हो उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स और डिवेलपमेंट तो होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास यूजुअली सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन आप लोगों ने अगर सुना हो मशीन के बारे में कहा जाता है कि अंडर यूटिलाइज है यू नो मशीन की कैपेसिटी मौजूद है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं है सो कार्नेलियन का प्राइमरीली काम यही है कि आपकी अगर यूटिलाइजेशन यहाँ तक हो सकती है तो हम आपकी वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में मदद करते हैं लोगों के रिलेशनशिप्स में टीम्स कैसे काम करती हैं आपस में कैसे समझते हैं एक दूसरे को उन सब चीज़ों में हम जाके एज अ थर्ड पार्टी उनकी मदद करते हैं इसी तरह जब हम काम कर रहे थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो हमने देखा कि उन्होंने हमें ये बताया कि देयर सर्टेन ट्रेट्स दैट एवरी लीडर एवरी मैनेजर एवरी पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव और उन ट्रेट्स में एक ट्रेट्स है एक ट्रेट है जिसको कहते हैं असर्टेन बहुत ही मुश्किल लफ्ज़ है मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आई थिंक एक अगले घंटे में हमें एक दूसरे से समझने में हेल्प होगी कि क्या है सो अब आप लोगों में से कौन थोड़ा बहुत असर्टिवनेस के बारे में जानता है असर्टिवनेस क्या होती है जी लाइफ में भी आप किसी को कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन इस तरह से उसको इनकार करें तो उसको बुरा भी ना लगे ठीक है दैट्स अ रियली गुड रिस्पॉन्स पोलाइट वे में किसी को इनकार करें कि उसको बुरा ना लगे एनीवन एल्स ठीक है सो आई थिंक व्हाट यू समड इट अप ब्यूटीफुली अगर हम दो इसके साथ टर्म्स को पॉइंट कर लें एक है पैसिवनेस एक है एग्रेसिवनेस बिल्कुल आपका पैसिव है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग एब्सोल्युटली सो होता ये है कि असर्टिवनेस जैसे उन्होंने कहा कि आप बहुत बार किसी को इनकार करना चाहते हैं या अपने पॉइंट पे अड़ के कोई बात मनवाना चाहते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप अगले की फीलिंग्स हर्ट कर दोगे या फीलिंग्स हर्ट कर दोगे या आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा यू नो दोस्त ने कह दिया कि अपना काम कर लिए आप मेरा भी कर दो तो मैं ना नहीं कह सकता क्योंकि दोस्ती ख़राब हो जाएगी इट्स अ रियल चैलेंज और जब सारे लोग यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे सो आई थिंक वन थिंग दैट आई थॉट ऑफ और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी वो ये है कि जिन टॉपिक्स में आपको उबूर हासिल होता है उसके ऊपर आप पढ़ाई नहीं करते बिकॉज यू फील लाइक अच्छा ये मुझे आता है कर लूँगी अगर एग्ज़ाम है एक दिन बाद तो कोई बात नहीं आपके दिन पढ़ के पास कर लूँगी लेकिन जिन टॉपिक्स में आपको स्ट्रगल होती है जो आपको डिफिकल्ट लगता है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हो एंड असर्टिवनेस एज इज एज अ टॉपिक एज अ वर्ड इज़ अ पर्सनल चैलेंज फॉर मी
مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو انکار کرنے میں, لوگوں کو کوئی بات منانے میں. تو میں نے سوچا کہ جو بھی ابھی تک میں نے تھوڑی بہت ریسرچ سے سیکھا ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کے ویوز لوں تاکہ آپ بھی مجھے ہیلپ کریں. آپ کو کہے یہ ہوم ورک دل میں سوچا نہیں کرنا, لیکن اوکے ٹھیک ہے آئی ڈو اٹ. وٹ ایور پیپل ٹیل یو یو جسٹ سے یس ٹو اٹ. دیٹس پیسیو بیہیویئر. جہاں آپ اپنے آپ کو بہت نیچے رکھتے ہو اور دوسروں کی نیڈس کو, دوسروں کی ریکوائرمنٹس کو بہت اوپر رکھتے ہو, دیٹس پیسیو. ٹھیک ہے. سو ایز فار ایز اگریسو از کنسرن, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اگریسو ہوتے ہیں. ڈو یو ہیو پیپل ہیئر ہو آر اگریسو؟ یا یو لوکنگ ایٹ ایچ ادر رائٹ؟ یو ڈونٹ تھنک یو آر اگریسو؟ ٹھیک ہے. سو یا سو وی ہیو پیپل ان آر فرینڈز اور سرکلز اور اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, جو بہت اگریسو ہوتے ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہی مانی جائے, کچھ بھی ہو جائے. آپ کی نہ ریزننگ سننے کو تیار ہوتے ہیں, نہ کوئی اور اوپینین سننے کو تیار ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا مائنڈ آلریڈی بنایا ہوتا ہے. سو ان ٹرمز آف بیہیویئرز اگر ہم دیکھیں کہ ان تین لوگوں کے کیا بیہیویئرز اور بلیفس ہوتے ہیں, سو پیسیو اور باڈی لینگویج دے تھری تھنگس جن کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ ہر ایک کی کیا ہوتی ہیں. سو پیسیو کہتا ہے یو آر اوکے, آئی ایم ناٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت سیلف ڈاؤٹ پہ ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ بات میں نے کہہ دی تو بہت مشکل ہوگا. کلاس میں ایسی بہت سچویشنز ہوتے ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کو آنسر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہوگا, یہ بندہ ٹھیک کہہ رہے اور میں غلط کہہ رہی ہوں. سو دس از واٹ پیسیو بلیوز ہیں, کہ میں غلط ہوں اگلا ٹھیک ہے. ایز فار ایز سرکل از کنسرن وہ کہتے ہیں ہم دونوں ٹھیک ہیں, ہم دونوں ٹھیک ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو رائے کا, ہم دونوں ڈفرینٹ پہلوؤں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. As far as the third behavior is concerned, obviously, I'm okay, you're not okay, you can never be okay. You know, that's the kind of behavior that certain people have. Body language. Yeh log aise log hote hain jo aksar eye contact avoid karte hain. Neeche dekhte hain, jaise aap dekhenge fidgety ho jate hain, nervous ho jate hain. Pehli baar milne ke ilawa bhi waise hi nervous hote hain, kyunki ye confident nahi hai apne aap mein. And then if you talk about assertive people, ye bahut warm hote hain, bahut welcoming hote hain, aap se bahut khushi se baat karte hain, aapko engage karte hain, aur inko kyunki apne aap pe ek confidence hota hai. Aur assertive log jo hote hain ye bahut emotionless hote hain, ya to ye aapko gusse se dekhte hain ya they have a blank face, they don't engage with you, they're not warm enough ki aap unse baat karo ya koi conversation aage badho, kyunki unke zehen mein unki raaye ban chuki hoti hai. So no matter what you say, it does not change. اور کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں جب آپ بات کرتے ہو دو لوگوں سے؟ لیٹس سے جب آپ اسرٹیو بندے سے انگیج کرتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز این آؤٹ کم اس بات چیت کا کیا رزلٹ نکلتا ہوگا؟ نہیں, اگریسو کو بتا دیں, جب غصے والے بندے سے بات کرتے ہیں تو آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ کوئی بیچ کا رستہ مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہو لیکن جب آپ اس کی بات سنو اور اس میں آپ کو تھوڑی بہت ویلیو نظر آئے تو آپ تھوڑا سا اپنا نظریہ بدل لو, اکوموڈیٹ کر لو, کمپرومائز کر لو. سو دیٹس واٹ ہیپنز ون یو آر اسرٹیو. لیکن جب آپ پیسیو ہوتے ہو تو آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانی جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی بات بیان ہی نہیں کرتے. آپ چپ ہو جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے وہ صحیح بول رہا ہے جو بھی کہہ رہے ہیں. سو دس از واٹ اٹ از. اب اگر ہم ان پہلوؤں کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کون کیا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے آپ کو اس تھوڑے سوال میں اس پہ ایویلیویٹ کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنے اسرٹ ہو. کوئی آپ کے سامنے سے لائن کاٹ کے چلا جائے, واٹ وڈ یو ڈو؟ ازیوم کہ انہیں پتا نہیں تھا اور آرام سے اس کو سمجھا دیں گے کہ لائن میں کھڑے ہو جائے, یا کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن یوں غصے سے دیکھیں گے اور پش کر کے آگے چلے جائیں گے, یا کچھ بھی نہیں کہیں گے, کھڑے رہیں گے, ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, نو پرابلم, اور یوں ٹیل دیم کہ یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور واپس اپنی جگہ پہ جاؤ. ٹھیک
آپ کے موڈ پہ بھی ایٹ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں, آپ پہلے ہی آپ کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر گیا ہوتا ہے, اگر لائن کاٹتا ہے تو آپ مزید اگریسو ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹریفک جام میں تو ہمیں بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو نارمل زندگی میں شاید انسان نہ کرے. اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لائن میں کتنی دیر سے کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کا کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایج فیکٹر بھی ہے, اگر بڑا ہے تو ریسپیکٹ کریں گے. ایبسولیٹ رائٹ, کیونکہ جو ہمارے سیکنڈ پیٹرن سے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو دیر ڈفرنٹ ویز جو ہم ایکسپلور کریں کہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ آپ میں سے شاید اس کو اچھے سے ایکسپلین کر دیں گے. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کھڑے رہیں گے کہ یار کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. سو دیٹس اے پیسیو بیہیویئر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, جس میں ہم ان کو ان کی غلطی کا احساس نہیں دلا رہے. لائک یو سیڈ میم, کہ ان اے ریسپیکٹفل وے وی آر ناٹ ایکسپلیننگ اٹ ٹو دیم, مگر ہم کھڑے ہیں. نہ سیکنڈ سچویشن, کوئی جوکس ایسے کر رہے ہیں جس میں بار بار آپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں کمپنی میں, آپ لوگ اسکول میں جا رہے ہیں, ایک دوست ہے جو پیچھے پڑ گئی ہے, ریس کے پیچھے پڑ گئی ہے, ایتھنسٹی کے پیچھے پڑ گئی ہے, جوکس اس کے ختم نہیں ہوتے. سو یو آر لائک ٹارگیٹڈ 24/7. واٹ ڈو یو ڈو ان دس کیس؟ سے نتھنگ, بیکاز آپ چاہتے ہو کہ دوستی خراب نہ ہو. رپورٹ دیم ایچ آر, یا اپنے ہیڈ مسٹرس کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے, یا بتا دیں گے کہ یو نو آپ کے جوکس مجھے پسند نہیں ہیں, تھوڑے سے اگر آپ نیوٹرل کر لیں جوکس, یو نو مجھے برے لگتے ہیں تو اوائڈ کریں گے, یا ان کے اوپر اور اوپر زیادہ ان اپروپریٹ جوکس کریں گے. رپورٹ کریں گے, آپ کے پاس رپورٹ ہونے سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. آپشن اے پہلے نمبر پر, آپشن نمبر 3 اس کے بعد, اگر بعد نہیں آئے گا تو پھر فور. دیٹس آلسو واٹ وی آر گوئنگ اباؤٹ اٹ. بندہ ایک بیہیویئر تھوڑا دکھا دے, اگر اگلا پھر بھی نہ مانے تو دین یو گیٹ اٹ. کین آئی ہیو فائیو ٹپس آپشن, فیفتھ آپشن؟ اوکے, واٹس دیٹ آپشن؟ فائنڈ آؤٹ کامن فرینڈ اینڈ آئی ول کمیونیکیٹ ٹو ہم, اوکے یار یہ جو اچھے نہیں ہیں, پلیز ٹرائی ٹو tell him ke ye cheez achhi nahi hai, then we can you know find us something in common. That's a very tricky thing to do actually. Maine isko padha nahi tha, isse mein batana ja raha tha ki iska ek hal ye bhi hai ki aap uski tareef kar de ki aapka sense of humor acha hai, to ummeed hai dobara aapko nahi kahega. Theek hai, that's also what we were going about it. Bilkul theek hai. Acha, isme ye bhi kar sakte hain, we analysis about his behavior, kyunki کہ نمبر آف بیہیویئر ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں انالیسس کرنا پڑے گا کہ کون سا ٹریگر بٹن ہم دبائیں گے تو ہینڈل ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹو اوائڈ سم ون از دا بیسٹ ریونج, ٹھیک ہے, تو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. True, exactly. So, you know, situations پہ depend کرتا ہے, لیکن اگر آپ پوری زندگی avoid کرتے رہیں گے تو آپ بہت exploit ہوں گے. بڑا یہ یہاں اس situation میں آپ نے اس کو نہیں خود کو handle کرنا, خود کو handle کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, that's also something you can do. بالکل صحیح. اسی طرح تیسری ایگزامپل, آپ ایک میٹنگ میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ 20 منٹ لے رہا ہے. یہ ایکچولی بائی دی وے بہت زیادہ ہوتا ہے. یو آلویز گو ٹو میٹنگس اینڈ پیپل آر لیٹ. اب آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا میں ان کو کہوں کہ آپ لیٹ ہیں, یا بس میں ٹھیک ہے انتظار کر رہی تھی, ان کو لگے اویلی ہے یا ویلا ہے, کوئی اور کام ہی نہیں ہے, دے جسٹ ویٹنگ فار اس. سو واٹ وڈ یو ڈو ان دس سچویشن؟ وہ آپ سے بڑا ہے, وہ کسی کمپنی کا ریپرزینٹیو ہے اور آپ اس کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئے ہیں, ہی از لیٹ, اور شاید یہ پہلی بار لیٹ نہ ہو, ملٹیپل ٹائمس لیٹ ہو گئے. سو ان دیٹ کیس کیا آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے اچھا بالکل نہیں لگا آپ نے مجھے انتظار کرایا اور آپ کا بیہیویئر بہت گڈ ہے, یا آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے بیکاز یو آر اوائڈنگ کانفلکٹ اگین, یا آپ مینشن کریں گے کہ اچھا ٹائم یہ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے تھے, یو نو, اینڈ دین سے نا نہیں اگلا بندہ جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے اور ہاؤ مچ ویلیو دیٹ پرسن از ایڈنگ ان یور بزنس. کرنا پڑتا ہے, مطلب اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں تب تو آپ اسٹریٹ اوے یو کین پک اپ دا فون اینڈ کال ہم کہ یار آپ لیٹ آئے ہو, میں آپ کا بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. سچویشن ٹو سچویشن چیزیں بڑی ویری کرتی ہیں. سو ان بزنس ٹرمز یو ہیو ٹو بی کیپ calm yourself. I mean, you don't want to, you know, destroy your relationship. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کسی کو سب سے بیسٹ گفٹ اگر دے سکتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو احساس دلانا چاہیے کہ یار دس از پریشیس فار می. ٹائم از ویری پریشیس. آئی مین وی ڈونٹ, ایز پاکستانیز, ایز اے نیشن, وی ڈونٹ ٹیک کیئر آف ٹائم, بیکاز ہمیں لگتا ہے کوئی بات نہیں 15 منٹ ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اٹ از, باہر آپ جائیں گے تو یو سی دیٹ پیپل ٹیک اٹ ویری سیریسلی. سو ٹھیک ہے, جی سوری,
अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कोई इशू ऐसा कोई है, तो फिर तो आप उस चीज पे इग्नोर भी कर सकते हैं, उसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है. लेकिन अगर एक जो पर्सन है वो हैबिटुअल ही है, तो फिर एक तरीके के साथ उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको इस चीज का एहसास दिलाया जा सकता है कि उसकी वजह से उसके लेट आने की वजह से आपका भी टाइम वेस्ट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट असर्टिवनेस इज. क्या आप उनको ये एहसास दिलाएं कि यू नो टाइम मेरा, हमें कहीं जाना था या समथिंग इंपॉर्टेंट, तो शायद अगर आप जल्दी आ जाते तो थोड़े दिन. जी सर, मैडम इसके लिए अच्छी स्टेटमेंट भी है. ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि किसी के लेट आने से मिल जाता है. अच्छा, ये दिस इज समथिंग जो हर घर में होता है. एक रिलेटिव ऐसा जरूर होता है जो आपको हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिकल होता है ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग, और वो आपको हर मौके में, शादी हो, कोई किसी के घर में दावत हो, वो आपको जरूर टारगेट करता है. यू नो से समथिंग कि अच्छा बहुत अच्छी लग रही हो आज, यू नो थिंग्स लाइक दैट, यू थिंक दैट यू डोंट वांट टू हियर. तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में वो रिलेटिव है आपका, व्हाट शुड यू डू? ट्राई टू गेट ऑन हिज गुड साइड ताकि दोबारा ऐसा ना हो, उसकी खुशामद कर लें, साथ बैठ मूवी पे ले जाएं कोई नहीं, या उनको कहें कि ओके ये थोड़ा रूड था, दिस वॉज रूड, यू नो डोंट डू इट अगेन, या आप उनको उनके फ्लॉज आइडेंटिफाई करने में करेंगे, या आप कहेंगे कि ये रिलेटिव है, बी श्योर द रेस्ट ऑफ द फैमिली, उनको बताओ कि पूरी फैमिली को ये रिलेटिव जो है वो ऐसे हरकत करता है. डू यू हैव अ बेटर सॉल्यूशन? एक्चुअली आई फील लाइक दिस सॉल्यूशन आर नॉट गुड एनफ. आई थिंक जब एक पर्सन की हमें आदत का, उसके मिजाज का अंदाजा होता है, तो हम खुद ब खुद अवॉइड करना शुरू करते हैं, और अवॉइड करना ही बेहतर रहता है, ना ही जवाब आदत जवाब देना बेहतर नहीं रहता, उससे आपका अपना ही मूड स्पॉइल होता है. अवॉइड करें, इग्नोर करें, अपने जो उस मोमेंट को एंजॉय करें, चाहे आप किसी इवेंट पे हैं. लेकिन आप इंजॉय कर पाते हो जब आपकी बेइज्जती होती है? अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको मालूम है आप ऐसे नहीं है, तो फिर ठीक है. इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आपको पता हो कि मैं तो ऐसा नहीं हूं बोल रही हूं. आप लोग सारे जानते हैं असर्टिवनेस क्या किस तरह है, और यू आई थिंक आप लोग की स्टेटमेंट से पता भी चला, यू डू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस असर्टिव बिहेवियर. आप बदतमीजी नहीं करना चाहते, और ना ही आप चाहते हैं कि बिल्कुल खामोशी से बैठा रहे, तो यू डू नो के बीच में कौन सा ग्राउंड है. I want to ask you this question. जैसे हमने स्टार्ट में शुरू की थी तो हमने ये बातचीत की थी कि येस और नो बोलना मुश्किल होता है या आसान होता है. आप लोगों में से आर यू गाइस फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ठीक है. आर यू फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, क्या आप लोग दूसरे को पहले से जानते हैं? ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से हम शुरू करेंगे, और यू एंड वी मूव लाइक दिस, राइट? I wish I can do it because it's important for me for the time period. You just have to say yes right now. So can I have to say yes again? Yes, come on, the car will go. Time will go. Try again. Can I have your watch, please? Yes. Thanks. Okay. Now, Amit says something, and he has to say yes and thank you, and we'll continue. Yeah. Can I have your mobile, please? That's it. Good for a mobile. मैंने लैपटॉप अंदर रखा है. मैं समझ गया था लैपटॉप. नहीं 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 इन्होंने
मैंने आपसे मांगा. Oh, she would be able to see it when she's giving it to you. Wow, that's quite generous. Everybody's after a watch, you know. Like, okay, can I have your pen, please? Great. Can I have your money, please? That's smart. That's really smart. ATM with number. Can I have your bag? Okay. Can I have your phone? Sure. There's two of them. Two generous. Yes. Yes. Chayan. Can I have your wallet, please? It's a difficult, but yes. Thank you. Can I have your lighter, Daddy? Great, he gave it to you. So, yahan se hum kuch mukhtalif karenge aap. So, what happened was, jab aap logo ne yes kaha, to sir ne jaise kaha ki hamari duty mein mujhe time dekhna hai, lekin unhone, since I made the rule ki dena padega, he said yes. मगर दिल में उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि नहीं आज शर्ट भी दो, आपसे लैपटॉप मांग लिया सर, उनसे गाड़ी मांगी, उनसे पैसे मांगे. सो यू नो थिंग्स दैट वी आर आस्क्ड फॉर मे नॉट बी मटेरियल इन लाइफ, मगर जो भी हमसे पूछा जाता है सवाल, हमें ज़रूर तकलीफ होती है यस कहने में जब हम कह रहे होते हैं, और वो हम वी डोंट मीन इट, वी हैव टू से इट उस सिचुएशन में रहते हुए. लेकिन आप यहाँ से एक के जब ये नेक्स्ट से मांगे तो उसे कहते हैं कि इनसे मेरी घड़ी वापस लेके दे दे. यस, हां, ये किया जा सकता था. तो अब आप लोग ये ऐसा करेंगे कि वी डू व्हाट्स रियल, व्हाट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन, और जो आप लोगों को करना चाहिए इन लाइफ. देयर इज, जब आप इनसे कुछ मांगेंगी, कोई भी पर्सनल पोजेशन, शी विल से नो, बट देन शी विल गिव यू अ वेरी जेन्युइन रीजन एज टू व्हाई शी इज सेइंग नो. ठीक है, चलिए मांगे. और रीजन क्यों क्यों नहीं देना चाहती? That's why you say yes to things, right?
कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हम क्यों करना चाहते हैं? लाइक यू सेड कि यू नो हम उनकी रिस्पेक्ट कर लेंगे वरना लड़ाई हो जाएगी, इसी तरह यू नो कोई और कह रहे कि हम कुछ नहीं कह सकते. तो इसमें ये मॉडल आपको बताता है कि देयर डिफरेंट सिचुएशन. जैसे आपको नजर आ रहा होगा वाई एक्सिस पे वी हैव असर्टिवनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो लो है और यहाँ जाके वो हाई हो जाता है. इसी तरह यहाँ पे यू हैव कोऑपरेटिवनेस और लो एंड हाई. नाउ देयर फाइव वेज जिसमें आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं. फर्स्ट वन कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में यू आर हाई असर्टिव और आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते. सो यू आर जस्ट डूइंग अगेन जो हम बात करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर, या यू वॉन्ट कि मेरी ही बात है, दिस इज हाउ आई गो अबाउट. कोलैबोरेशन में दिस इज द आइडियल सिनेरियो व्हिच शुड बी देयर इज दैट बोथ थिंग्स आर एक्सट्रीमली हाई. आप दूसरे के स्टेक्स भी ले रहे हो कि ठीक है यू हैव दिस वैल्यू, यू आर एडिंग दिस वैल्यू टू इट, ठीक है ठीक टेक योर पॉइंट और ये मेरा पॉइंट है और उसको ऐसे लेके चले. एंड देन दैट कोलैबोरेशन. अवॉइडेंस में ना तो आप असर्टिव हो रहे हो, दिस इज एक्सट्रीम पैसिव बिहेवियर, ना आप कोऑपरेट कर रहे हो. सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बेसिकली. जो उस इक्वेशन में जो वो कॉन्वर्सेशन आप क्लियर कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन बिल्कुल भी नहीं हो रही. Because you're not doing either of the things that you require to. इसी तरह फिर आ जाते हैं हम compromise. Compromise is the middle ground that we talked about. कि दोनों का थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं and things that you do. होता ये है कि when we talk about situations, कोई एक perfect situation नहीं होती. जैसे आप लोगों ने ही मुझे बताया कि हर situation में आप देखते हो कि अगला बड़ा है, उसको respect करते हो या आपका mood अच्छा नहीं, so you want to do something. This model says that you have to be situation. This model says you cannot have one point and say मैं तो avoid ही करूँगा आज का या मैं तो आज की बात accommodate ही करूँगा. And just an example, when you see the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam और उनको explore करते हो तो आप देखोगे तो उन्होंने इस मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में implement किया. जब फतेह मक्का का मौका आया, when he wanted to conquer मक्का, तो उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में जब उन्होंने 360 idols destroy किए, that is when he was here. He was extreme assertive. He went there and he fought. As far as अगर आप सुलह हुदैबिया की बात करो, उन्होंने सुलह करवाई लोगों के बीच में, that's when he collaborated. उन्होंने अपने स्टेक्स भी रखे, अच्छा ठीक है आप ये चाहते हो, कुरैश ये चाहते हैं एंड देन वहाँ के ज्यूज ये चाहते हैं एंड दिस इज हाउ वी गो अबाउट. इसी तरह जब उन पे कूड़ा फेंका गया, हाउ आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट एनेक्डोट, जब उन पर कूड़ा फेंका जाता था तो ही डिड नथिंग, ही अवॉइडेड इट, राइट. एंड इसी तरह अकोमोडेशन के लिए जब मुसलमान मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ पे मुहाजरीन और अंसार को हमने उनकी ट्रीटी करवाई, व्हिच वाज दैट अंसार उनको अकोमोडेट करे. सो एक जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी में यू हैव टू हैव अ पैलेट और आपने उस पैलेट को इस्तेमाल करना है. एक कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता कि कहीं पर यू हैव टू मेक श्योर कि जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें बेस्ट पॉसिबल क्या सिनेरियो हो सकता है, आप क्या कर सकते हो. जिससे टीचर है तो उसके साथ जाहिर है इन अनदर वे, फ्रेंड है उसके साथ इन अनदर वे. कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि ऐसा भी नहीं बनना कि हर वक्त कोई एक डिब्बे में अपने आप को ब्लॉक कर लिया जाए. अब जैसे आप लोगों की बात हम कर रहे थे, इसलिए आपने ये बात तो सोची होगी कि जब आप अगले इसको समझा रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट टू दैट पर्सन समटाइम्स. क्योंकि जब आप किसी से भी बात कर रहे होते हो, मैंने पर्सनली नोट किया है कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग, जब वो कोई बात कर रहा होता है मैं अपने जहन में अपना जवाब बना रही होती हूँ. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट आंसर, व्हाट काउंटर आर्ग्यूमेंट विल आई गिव टू हिज आर्ग्यूमेंट. लिसनिंग हमारी इस ऐसी कैपेबिलिटी है जो बहुत वीक है. एंड विलियम यूरी हु इज एन एक्सपर्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ही सेज कि नेगोशिएशन में जब आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हो, सबसे बड़ा कंसेशन जो आप उसको दे सकते हो और सबसे चीपेस्ट कंसेशन इज जस्ट लिसनिंग टू अदर्स. That's it. That's all that you need to do. आप दूसरे की बात सुनो and don't listen to it because you want to respond to it. Listen to the person for three reasons, he says. He says कि listen to the person to understand what he's saying. Listen to the person to connect with him. To understand कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे connection हो सकता है वो आपको एक ऐसी बात बता दे कि आपको पता चला oh he's coming from here. तो ऐसे मैं इसके साथ connect कर सकता हूँ. And then you also listen to him to convince him. Why? Because there is a high chance अगर आप उसकी बात सुनोगे तो वो भी आपकी बात सुनेगा, right? So we'll just, this is the last bit of it. What I do is that मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप एक ऐसी activity करें जिसमें we have to move the chairs a bit, so I'm not sure if the space allows for that. I want you all to sit in pairs और two two के pairs में और chairs एक दूसरे की तरफ करें. आप मैंने teacher की तरफ
Okay. Kuch miss kiya? Nahi. Thoda bahut galat tha.
that's very sweet. 7. Okay, why? He picks okay a few points okay which he thinks is very important. And how can you ignore it? Okay, I'm telling you, I'm understanding some little question. Okay, okay. Very few training related. Okay, okay. So maybe he did not take it. That's fine, that's okay. After only? 8. 8. Okay, that's a good score. So all of us here understand. 9.5. Sir, 9.5. Yes. Why the 0.5? That is one thing that is very important in listening, and that is developing the empathy through nodding, yes, okay, understand. हम सब सुनने की सलाहियत रखते हैं. We can listen to the other person अगर हम अपनी पूरी अटेंशन उस वक्त उन्हें दें. But what happens in conversations in when you're trying to negotiate is that आप सिर्फ अपना सोच रहे होते हो और अगली बार नहीं सुनते ना उसके साथ empathy show करके like sir mentioned, nod करके या सवाल पूछ के या interest show करके, which is why people are always in their own shells. मैंने एक बुक पढ़ी थी A Man from Mars and A Woman from Venus. Okay. उसमें जब मैं फीमेल उसके बारे में पढ़ रहा था ना तो उनके मैंने ये पढ़ा था. आपने अक्सर देखो कि जब दो फीमेल और बात कर रही होती है देखा कि फिर से ये तो तुम हवा में हमारे पास I just want to know assertiveness or passiveness, they are very good you know both ways are competencies of a candidate. Bilkul. If you rate assertiveness and passiveness, where you did see both of them in hiring process? Hiring process. So assertiveness generally, when a team leader is a leader, I personally, that's my own opinion, I don't know, we might differ. That is that a leader does not is not someone who should be followed all the time. लीडर वो होता है जो आप में भी लीडरशिप स्किल्स इंकल्केट करता रहता हूँ. लीडर ये नहीं है कि मैं यस मैन, जो लोग यस मैन बनना चाहते हैं कि मैं जो भी कहूँ उसके आगे यस का जवाब है, एंड इन दैट केस यू वुड वांट टू हायर समवन हु इज पैसिव. बट असर्टिव अगर आप हायर करोगे तो यू वुड सी द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी गोइंग समवेयर, बिकॉज एट अ लेटर स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ वो बंदा भी लीडरशिप कैपेबिलिटीज रखता होगा, उसके भी एक व्यू पॉइंट्स होंगे. So like we discussed, assertiveness is not saying no to everything, but it's being logical about things. It's evaluating कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और आप कहाँ से आ रहे हैं, and then you know taking different positions. So I personally think assertiveness would rank higher. So if you are applying for a multinational company, you have to be assertive. So if you are applying for a state-oriented company, you have to be passive. Not necessarily, sir. Like उनका हायरिंग क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, वो अपने मुताबिक लोग हायर करते हैं. नो, इन सेट 100 कंपनी यू आर ऑलवेज हैव टू से यस. या अनफॉर्चूनेटली दैट्स द रियलिटी, बट वी हैव टू डू व्हाट वी थिंक इज बेस्ट. जी सर, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग के जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो आइडेंटिफाई करती है वेदर यू वांट टू हायर अ एग्रेसिव पर्सन और यू आर एन असर्टिव. फॉर एग्जाम्पल लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होती है जहाँ पे आपके पास जो है वो जेनिटोरियल स्टाफ होता है और मोस्टली वो लोग काम कर रहे होते हैं जो मैट्रिक इंटरमीडिएट होते हैं, उसके लिए नीड टू हायर समवन हु इज एग्रेसिव. देन इज द केस विद सेल्स जॉब. सेल्स के अंदर इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड जॉब, आपको सैलरी कमीशन मिल रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, और जो आपके ऊपर सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं.
make things happen. Yeah, so a JD can be helpful in recognizing the kind of people that you want. You have an aggressive or assertive tone, confused iske waste kar rahe hain, or might be those that you don't introduce, main apna input dena chahta hoon. Ji ji bilkul. Aggressive ka matlab jo hai aur assertive ko agar hum ke assertive ka matlab hai aap keep pushing karte hain towards your point. Lekin aap polite bhi hain. और एग्रेसिव के अंदर आप शाउट कर रहे होंगे, आप अपना टेम्परमेंट लूज कर रहे हैं. और मेरा निहाल कोई भी टीम लीडर हो, चाहे वो जेनिटोरियल स्टाफ से डील कर रहा हो या किसी से भी, मेरा निहाल कि ये ह्यूमन एलिमेंट हमारा होगा कि हमारा मॉरल स्टैंडर्ड को शो एग्जिबिट नहीं करेंगे कि अगर आप एग्रेसिव होंगे. तो असर्टिव का मतलब है फोकस रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे, अपने डिटरमिंड रहेंगे टुवर्ड्स योर टास्क, ठीक है, लेकिन इन अ पोलाइट मैनर. आई थिंक दैट्स यू प्रीटी मच समड अप एग्जैक्टली. जिसको आप कहना चाह रहे हो ना कि aggressive negative तो नहीं होता, वो तो positive भी होता है. So that's exactly what assertive is. आप अपने point पे जाना चाह रहे हो, you are very committed to your goal, you want to reach your goal, but at the same time you're respecting others, you're being polite. So I think assertive, इसीलिए मैंने पहली slide में कहा था कि assertive in itself समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम extremes को समझते हैं और इसके बीच में ही हम इसको समझ सकते हैं. Holding your nerve. Exactly. That's all. जी सर. Assertiveness को हम कह सकते हैं कि it's a win-win situation. It's a win-win situation. Aggressive side पे हम जाएं तो हम सिर्फ खुद को win करना चाहते हैं. Yeah. Aggressive side पे जाएं तो बहुत. That was line number two. Yeah. लोग कहते हैं कि अल्फाज, लोग अल्फाज भूल जाते हैं, रवैये याद रहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग इन जनरल भी कहते हैं कि यार ये इतना पोलाइटली अल्फाज की मार मारता है. ठीक है, असर्टिवनेस में कि आप उसकी लहजा या बिहेवियर जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन अल्फाज जो हमारा तीनों में ना पैसे असर्टिव एग्रेसिव में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हमारे अपने जो बिहेवियर हैं वो कैसे हैं, वो कैसे हैं. जिस तरह लो की बात कर रहे थे, लो कैसे कहना है, अभी इस तरह एक एक्सरसाइज भी था कि वॉच ले लें, तो मैंने लो नहीं कहा था, लेकिन मैं देना भी नहीं चाहता था. तो मैंने ये कहा आई विश, आपको टेक किया टॉक, ठीक है, मोटिवेशन टॉक दी. हाँ जी, अभी कुछ लोग यहाँ से निकल गए या बैठने की जगह नहीं थी, इतना मुझे पता था. ये फीडबैक है एंड थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मैनेजमेंट हाउस एंड लर्न फेस्ट. और ये रियली ऑनर्ड, और ये आपका अपना ये ट्रेनर्स का घर है. तो ये इतना माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है. तो विथिन वर्ड्स अपनी दुनिया पैदा कर, इसका थीम है. और क्या है कि ये पाकिस्तान का जो लोगों को ये जगाना है, कहते हैं सोते को जगाना आसान है, जागते को जगाना मुश्किल है. ठीक है, हमारा मसला ये है कि हम सोए भी लोग हैं. और 2300 आज सोए सरकारी कोई पाकिस्तान में दो काम हो रहे हैं इसका, यहाँ वो इस्लामाबाद में परेड हो रही है और यहाँ लंच फेस्ट हो पाकिस्तान. This is the until we believe in Pakistan, we cannot do anything else. ठीक है, for you people at the face. Once again, thank you very much. आप लोगों को शुक्रिया. छोटा सा gift है जी, एक
مہینہ یہ ہمارا مینجمنٹ اس کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ ہم لوگوں کو پھول اور کتابیں دیتے ہیں اسپیشلی آپ کا نام یہ اوریجنل سر اوریجنلی گریٹ آن دا اوریجنل فلاور ناٹ چائنیز پیڈ فلاور ترکی سے آئی ہے جی وہ ڈرامے والی آشا ہی نہیں ہے یہ ہوتی ہے جی یہ حصے والی گل ہے ہمارا لیٹسٹ میگزین ہے ان شاء اللہ اگر آپ بھی کسی دن ٹائٹل پیج پہ آئیں گی آپ ٹائٹل پہ آپ آئیں گی پاکستان کی